समान काम समान वेतन, ठेका प्रथा व निश्चित अवधि रोजगार को समाप्त करने सहित अन्य मुद्दों को लेकर श्रमिक संगठन बीएमएस घंटाघर चौक में एक दिवसीय धरना कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संघ का कहना है कि केंद्र सरकार सार्वजनिक उद्योगों में निजीकरण, विनिवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की मंशा व अन्याय श्रमिक विरोधी नीतियों की ओर लगातार बढ़ रही है। केंद्रीय मान्यता प्राप्त श्रमिक संगठन से अलग होकर भारतीय मजदूर संघ आंदोलन कर रहा है। संघ ने रेलवे, प्रतिरक्षा व पोस्टल के प्रस्तावित निगमीकरण पर रोक लगाने, राज्य परिवहन निगमों तथा बिजली बोर्ड के निरीकरण पर रोक लगाने, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर रोक लगाने, न्यूनतम पेंशन राशि 5,000 रूपये, महंगाई पर रोक लगाने, बेरोजगारी समाप्त करने, सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने समेत 18 सूत्रीय मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। जेबीसीसीआई सदस्य व बीएमएस के वरिष्ठ नेता राधेश्याम जायसवाल ने बताया कि संघ ने हड़ताल करने की बजाय एक दिवसीय धरना देकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है ताकि पीएम का ध्यान सीधे आकर्षित किया जा सके। मुद्दे जो है कि सार्वजनिक उपक्रम को जो निजी क्षेत्र में बेचने का जो षड्यंत्र हो रहा है, उस षड्यंत्र के खिलाफ में हम लोग जन जागरण कर रहे हैं और पूरे देश में श्रमिकों में बहुत असंतोष है कि जो लाभ में चलने वाला उद्योग है उसको भी बेचने की जो प्रक्रिया अपनाई है भारत सरकार ने, चाहे कोयला हो, चाहे बीएसएनएल हो, चाहे बिजली हो, ये जितने भी उद्योग हैं इसका निजीकरण करने जा रहा है, इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ के सरकार ने भी, आप देखेंगे कि आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, चाहे मध्यान्ह भोजन कार्यकर्ता हैं, चाहे आप स्वायत्तशासी हैं, आप नगर निगम में जो काम करने वाले हैं, इन सबको भूपेश सरकार ने कहा था कि मैं जैसे सरकार में आऊँगा तो आपको सरकारीकरण करूँगा, कलेक्टर के रेट पे मैं भुगतान करूँगा मानदेय का, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार से भुगतान नहीं हुआ। आप देखिए बेरोजगारी भत्ता का उन्होंने ऐलान किया था जब सरकार में नहीं थे भूपेश बघेल जी, तब उन्होंने कहा था कि बिजली में जो कंपनियां बनी है मैं आते ही बिजली का एकीकरण करूंगा, ये सब बातें उन्होंने कहा था। आज कोयला को देख लीजिए, कोयला लाभ में चल रहा था और कोयला को निजीकरण करने का केंद्र सरकार की जो षड्यंत्र है उसके खिलाफ में हम सब यहाँ पर एक दिवसीय धरना जन जागरण के तहत दिए हैं। आने वाले समय में यदि हमारे इस पूरे देश में जो सभी जिलों में जो धरना चल रहा है इसके माध्यम से जो हम चेतावनी पत्र शाम को देने वाले हैं, इसके बाद भी यदि भारत सरकार नहीं मानेगा तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग करने। हम आपको बता दें कि केंद्रीय मान्यता प्राप्त 10 श्रमिक संगठन ने केंद्र की नीतियों के खिलाफ आगामी 8 जनवरी को प्रस्तावित एक दिवसीय हड़ताल की घोषणा की है। इस हड़ताल में बीएमएस शामिल नहीं होगी, इसलिए संघ ने हड़ताल से दूरी बनाते हुए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए पूजा साहू के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट।